Good morning, ladies and gentlemen. The flight number A1191 from JFK, New York to New Delhi has landed on IGI Terminal 3, gate number 12. इश्क मोहब्बत क्या है, क्यों है, कब होते हैं? मन तो बहुत है कि प्रेम को ऐसे लिखूं जैसा पहले कभी ना लिखा गया हो और सब मेरी कहानी के दीवाने हो जाएं, मगर हो क्या गया है मुझे? लिख क्यों नहीं पा रही मैं? कलम अटक क्यों गई है? इज इट कॉमन टू हैव राइटर्स ब्लॉक? इस एक कहानी के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मेरा किरदार कब तक मुझसे आइस पाइस खेलेगा? वक्त के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, मुझे उसके रूल्स फॉलो करने होंगे और जल्द ही कहानी शुरू करनी होगी। हाय, न खुद तक आने देती हो न दूर जाने देती हो। एक बार अपना हासिल तो बता दो, हूं जिंदगी में या नहीं, इस फैसले पर आज मुहर लगा दो। श्लोक तूने याद किया, ऐसा भी इत्तेफाक हुआ। हम समझे थे कुछ अटक रहा है, मगर हिचकियों ने कुछ और ही समझा दिया। थैंक गॉड तुम्हारा रिप्लाई तो आया। आता कैसे नहीं, तुम्हारी चीजी शायरी को तो अल्जाइमर होने के बाद भी ना भूलूं। कॉलेज में तुमने इन्हीं लाइंस के साथ कितना ट्राई मारा था, याद है? अब भी चांस है क्या? इश्क लिखने के लिए इश्क का एहसास चाहिए, खालिस इश्क का एहसास। इश्क जो पूरा हो जाए वो इश्क नहीं होता, मगर जो अधूरा रह जाए क्या वो इश्क होता है? आज इतने सालों बाद उसका लौटना अधूरे को पूरा करने की कोशिश है या एक नई कहानी जो शुरू तो हो रही है मगर पूरी होगी कि नहीं, ये किसे मालूम। इश्क की कहानियां इश्क के तरह ही होती है, पूरी होकर भी अधूरी।
हेलो, और कितने दिन लगेंगे? अब मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी। ये मेरे हाथ में थोड़ी है। जिद भी तुम्हारी थी। सुरेश, मैं फोकस करना चाह रही हूँ। ये कहानी बहुत जरूरी है मेरे लिए। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो। हाय। हस्बैंड। हाँ। इश्क से बेहतर और दोस्ती से ऊपर, यही तो नाम दिया था मीरा ने अपने उस रिश्ते को, जिसका वजूद पानी पर लिखे नाम की तरह निकला, जिसे सिर्फ लिखने वाला ही देख सकता है। बाकी सारी दुनिया के लिए ये अदृश्य है। वो मेरी जिंदगी में हवा की तरह शामिल होने लगा था। इसे मैं महसूस कर सकती थी, देख नहीं सकती। इंतजार से शिकवा नहीं, बस बोल दो आऊंगी कभी। सिर्फ मुझे लगा तुम हाँ कहोगी। अब ना भी तो नहीं बोल रही हूँ। इतनी दूर से आए हो, एक कप चाय तो पिला ही सकती हूँ। आ जाओ। एक कप चाय? उसके लिए तो मैं कभी भी चला आऊं। आ रहा हूं। See you. शायद इसी कहानी के इंतजार में जिंदगी थी। शुक्र है तुम नायक बनकर आए। जनता कर्फ्यू, द प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड पीपल टू फॉलो, इट इज सेल्फ इम्पोज्ड। ही सेड लर्न टू रिस्ट्रेन एंड रिजॉल्व, दिस इज इम्पोर्टेंट। टुडे वी आर गोना ट्राई एंड ब्रेक। पीएम मोदी ने कहा, ये संपूर्ण लॉकडाउन एक तरह से कर्फ्यू ही है। घरों से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी, सख्ती से होगा पालन। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी ने 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का किया ऐलान। रात 12 बजे से लागू हुआ फरमान। पीएम मोदी ने कहा, ये संपूर्ण लॉकडाउन एक तरह से कुछ करो, मुझे घर वापस जाना है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। एक कहानी ने सारी कहानियां खत्म कर। मुझे पता होता ऐसा हो जाएगा तो मैं तुमको जाने ना देता। कुछ करता हूँ। हाँ, मुझे निकालो यहाँ से प्लीज। कोई प्राइवेट कार या टैक्सी वाले से बात करो। I don't want to be stuck like this. पैसे की चिंता मत करो, जितना लगेगा मैं देख लूंगा। बस इस सिचुएशन से निकालो किसी तरह। बात पैसे की नहीं है, सिचुएशन काफी खराब है, निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। आई एम सॉरी सर। Are you ignoring me? I'm stressed. I want to go back. Call me, I can help you. क्या तुम वापस न्यूयॉर्क नहीं गए? कहाँ हो तुम अभी? क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो कहानी पूरी करनी थी। मेरा अस्तित्व तुम्हारी जिंदगी में बस एक कहानी का तो रहा है हमेशा। श्लोक, तुम्हारी वजह से आज मैं अकेद हूँ। प्लीज हेल्प मी। मेरी वजह से? कहानी तो तुम्हारी थी सुमेधा रॉय। खैर, डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं वापस जा ही नहीं पाया। प्लीज मुझे भी निकालो यहाँ से। मुझे एग्जिट पास मिल गया है। निकलने से पहले ये लोग बड़ी फॉर्मेलिटीज करते हैं। मैं बस पहुंच रहा हूं। नर्स, इलेक्ट्रिक शॉक नाउ। ओके।
फेस शील्ड ठीक करो, दिस इज ब्लडी कोविड, डोंट बी केयरलेस। डॉक्टर, पेशेंट सुमिता हैज अरेस्टेड। शॉट, सीपीआर।